मिश्रा इनके घर से तो इस बार बड़ा गिफ्ट आ गया। भाई साहब का प्रमोशन जो हुआ है उन्होंने ही बोला होगा देने के लिए, वरना वो तो एक नंबर की कंजूस है। आवाज से तो क्रॉकरी लग रही है, इसे तो अपने पास ही रखूंगी। इसमें तो बेडशीट ही लग रही है, ये भिजवा देती हूँ मिसेस गिल के घर। ये और एक मिठाई का डब्बा। मम्मी ऑलमोस्ट सबके घर मिठाई देकर आ गई, अब बस रिधि और शिनू का घर बचा है, उनके घर के लिए दे दो फटाफट। रहने दे, अभी उनके घर से नहीं आया कोई। तो क्या हो गया मम्मी, हम दे देते हैं पहले, क्या प्रॉब्लम है? अरे देखना तो पड़ेगा क्या दे रहे हैं वो, उसके बाद ही तो भेजूंगी। पता चल रहा है हम काजू कतली पहुंचा रहे हैं और वो सोन पापड़ी का डब्बा देके निपटा रहे हैं। ठीक है फिर मैं नहीं देने जाऊंगी बाद में, मुझे दिवाली भी इंजॉय करनी है, आप दे आना फिर। हाँ ठीक है मैं दे आऊंगी खुद। और शीनू के घर पे? हाँ ले उनके घर दे आ। मम्मी ये डब्बा तो कुत्ते वाली आंटी के घर से आया था ना? हाँ तो ऐसी अदल बदल करके दे देते हैं, इतने मिठाई के डिब्बे कहाँ से लाएंगे। और उसके घर जाके मत कह दियो कि किसी और के घर का डब्बा है, पागल। ले। मम्मी भी अपना सही दिमाग लगाती है। अरे बुल्ट बम, अरे ऊन बम, नाजी बम, मुर्गा शाप। मीत छोटी दिवाली पे असी छोटे पटाखे जलावांगे, सबनू लगूगा मेरे कोल वड्डे पटाखे है ही नहीं। वीर जी फिर बड़े वाले पटाखे आप नहीं जलाओगे? ओ नहीं, जब सारी गली दे बच्चों दे पटाखे खत्म हो जाने ना, फिर बड़े पटाखे दे नाल धमाका करांगे। वीर जी मैं भी बड़ा वाला पटाखा जलाऊंगी। ओ नहीं तू हाले निक्की है, आले फुलझड़ी, बड़े पटाखिया नाल तेरा हाथ जल जाना, आले फड़। ओए मैं तुझे नीचे कब से ढूंढ रही हूँ यार, और तू छत पे कैंडल्स लगा रही है। हाँ छत पे सूना सूना लग रहा था तो सोचा यहाँ पे भी कैंडल्स जला देती हूँ, पर बार बार जला रही हूँ, बार बार हवा से बुझ जा रही है। ये पड़ोस वाले तो गांव गए हुए हैं ना, इनके घर पे ये कैंडल्स कैसे जल रही हैं? ओए कोई भूत भूत का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं मैं नहीं लगाई है वहां पर भी, मम्मी ने बोला था कि उनकी छत पे भी लगा देना, कहीं अंधेरा नहीं रहना चाहिए आज। मैं तो डरी गई थी। ओए देख पूरी सोसाइटी कितनी अच्छी लग रही है छत से, पूरी चकाचौंध हो रखी है। बस दिवाली की मुझे एक ही चीज अच्छी लगती है, हर जगह लाइट्स ही लाइट्स। तूने मेरा घर तो देखा ही नहीं। देख लिया था, तेरे भाई ने स्टोरी लगाई हुई थी, अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है यार तूने। मेरे हाथों का ही कमाल है। ये ले अच्छे से फोटोज ले मेरे कैंडल्स के साथ। वाओ यार सारे पिक्चर्स कितने अच्छे हैं, ये वाली देख ये तो बेस्ट है, इसे डालूंगी। हाँ तेरी ड्रेस भी तो कितनी सुंदर है ना। चला पटाखे फोड़ने चलते हैं। नहीं यार पटाखे नहीं, कितना पॉल्यूशन तो होता है उससे। अरे फुलझड़ी जला लेंगे ना, और बिना बम पटाखों की कोई दिवाली होती है क्या? ना ना भाई पटाखों से ना बहुत डर भी लगता है मुझे, मैं नहीं जला रही। अरे आजा मैं हूं ना। नहीं 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 दीपू। ओ मम्मी जी वड्डी वाली मोमबत्ती फड़ा दो। ओ बिना सूट के हाथी नीचे भी देख के चल ले। मेहनत लगती है बनाने में, अगर मेरी रंगोली तू सी भी खराब हुई ना तो तेरी शक्ल खराब कर दूंगी। रंगोली तो वधिया बनाई है ने, फिर भी तारीफ तो मैं कर रही नहीं। ओ आ की टट्टी करती, फर्श गंदा करता सारा।
चला जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। ओ मम्मी जी, तुसी मोमबत्ती फड़ाओ। जल जा जल जा जल जा जल जा जल जा जल जा। भाई कितना टाइम लगेगा इसको जलने में, कहीं मैं सीली हुई तो नहीं दे दी है उसने फुलझड़ी। मुझे भी यही लग रहा है, एक घंटा हो गया इसको लेके खड़े हुए, हाथ में दर्द भी होने लगा है यार। जलगी जलगी जलगी, मेरी भी जलाना। हाँ ले जला जल्दी। जलने में तो उतना टाइम लगता है, खत्म एकदम हो जाती है। यार कितने बड़े बड़े पटाखे जला रहे हैं ये लोग, कान सुन हो गए यार। और ये लोग ना सुबह से नॉन स्टॉप फोड़ रहे हैं, पता नहीं कितने पटाखे इनके पास, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पिछली वाली गली में ना गलती से भी मत चले जाइयो, आलू बम, सुतली बम, बुलेट बम, सारे बड़े बड़े बम फोड़ रहे हैं वो। और कोई भी गली से निकल रहा है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फोड़ देते हैं, चाहे किसी के पैर में लगे चाहे किसी के सर में। फिर तो बहुत बदतमीज लोग हैं यार, दिवाली का गलत फायदा उठा रहे हैं। ओए वो लोग चक्री जला रहे हैं, आ जा। ओए अपनी ड्रेस ऊपर कर, आग लग जाएगी। हाँ पिछले साल ना कुत्ते कुत्ते मेरी ड्रेस में छेद हो गए थे। चलो ये तो चल रही है। सीधे सीधे लटका के लगा, एक फूल की लड़ी और एक लाइट की लड़ी, अच्छी लगती है। मम्मी यार पिछली बार भी तो सेम लाइट्स लगवाई थी तुमने, कुछ डिफरेंट तरीके से लगवाओ ना। देखना सामने वालों ने कितने अच्छे तरीके से लाइट्स लगा रखी हैं, ना प्यारा लग रहा है उनका घर। और उन्होंने तो बलून लाइट्स भी लगाई हुई हैं, कितना अच्छा डेकोरेट किया है उन्होंने अपना घर। ठीक है ऐसे ही, ज्यादा लड़ियां लगती हैं उसके लिए, क्या फायदा फिर इन्हें भी लगाने का, आधे से ज्यादा तो इसमें जल भी नहीं रही है। एक आधी तो नहीं जल रही है, बाकी सारी सही है, पिछले साल ही मंगवाई थी, तेरे पापा ने तो पैक भी अच्छे से करके रखी थी, पता नहीं फिर भी खराब हो गई, इनका भी कुछ भरोसा नहीं है। ये तो जली नहीं रही बिल्कुल, अब हर बार कौन पैसा फूके इनमें। हर साल यही बोलती रहती हो, थोड़ी सी लड़ियां लगा के बस हो गई दिवाली। ठीक है जैसे भी है, तुम्हारी सुनने लगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे हम। मैं तो नहीं करवा रही, अपने आप कर लो सब कुछ। ले देख रहा है सारी हरकतें तेरी बुआ पे ही गई हैं इसकी, हर अच्छे काम में नाक मारनी होती थी उन्हें, कलेश करना होता था, नहीं तो खाना कहाँ पचता था उनका। मम्मी जी आधे विच बुआ कितों आ गई। तू लड़ियां लगा, ज्यादा दिमाग ना लगा। मुझ पे तो कोई सी औलाद गई नहीं है, सबके सब खानदान पे गए हैं, नाक बनवा लो मुंह बनवा लो बस। ओ मम्मी जी हुण लाइटां ते लगाती सारी, हुण पटाखे भी मंगवा लो। मंगवा लेंगे बाद में, अभी बहुत टाइम है। ओ मम्मी जी मैं की कह रहा सी, मेरे मित्र दी ना पटाखियां दी फैक्ट्री है, ते उन्हें सही प्राइस में लगा देने मैनू, होर सारे दोस्त भी जा रहे हैं पटाखे खरीदन। कोई जरूरत नहीं है फैक्ट्री से लाने की, दुकानें नहीं लगानी हमें, मैं ले आऊंगी खुद। ओ मम्मी जी तुसी तो थोड़े जे पटाखे ला के दे देने मैनू थैली विच, अब फुलझड़ी, मुर्गा छाप, बिजली बम, बच्चे वाले पटाखे। ना तुझे आइटम बॉम, न्यूक्लियर बॉम ला के दे देती हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पे तू ही खड़े हो जाइयो जाके। नमस्ते आंटी जी, हैप्पी दिवाली। नमस्ते बेटा, हैप्पी दिवाली आपको भी और आपके पूरे परिवार को। आंटी जी मम्मी ने ना स्वीट्स भेजे आपके लिए। मिठाई का डब्बा पैक करके भेजा है, जरूर सोन पापड़ी ही होगी। और ये गिफ्ट भी। शीला भाभी का तो दिल बड़ा हो गया, गिफ्ट भेज दिया इस बार। अच्छा बेटा तेरी मम्मी नहीं आई? वो आंटी जी घर पे ना गेस्ट आए हैं, दिवाली का टाइम है ना,
तो इसीलिए काम बढ़ जाता है। चलो कोई नहीं, मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली कहना सबको। और बेटा आज तो बड़ी प्यारी लग रही है सूट में। थैंक यू आंटी जी, वो क्या है ना कभी कभी पहनती हूँ ओकेजनली। और आंटी दीप, वाओ यार क्या रंगोली बनाई है तूने, कहाँ छुपा रखा था ये टैलेंट? अच्छी बनी है ना, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाई है। वो मम्मी हमेशा कहती रहती थी ना कि सारी लड़कियां अपने घरों में रंगोलियां बनाती हैं और तू आलसियों की तरह पड़ी रहती है, इसलिए बना दी इस बार, दिखा दिया अपना टैलेंट मम्मी को। साइड साइड में ना दिए और लगा दे, और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। हाँ मैं लाती हूँ दिए। आ जा बेटा बैठ। नहीं नहीं आंटी बैठ नहीं सकती, मुझे और लोगों के पास भी जाना है ना मिठाइयां बांटने। थैंक यू। अरे चले जाना, आ मुंह मीठा करके जा, आ जल्दी। ओए तेरा और आंटी का सूट सेम है ना, अभी नोटिस किया मैंने। हाँ मैंने सोचा बॉयफ्रेंड तो है नहीं तो मम्मी के साथ ही ट्यूनिंग कर लेती हूँ। सही है और क्या। और बता पटाखे वटाखे नहीं फोड़ती तू? पटाखे ना बाबा ना, बचपन में मैंने एक बार एक पटाखा फोड़ा था और वो ना मेरे हाथ में ही फूट गया, तब से तो मैंने कान पकड़ लिया कि मैं नहीं चलाऊंगी पटाखे, मैंने तो बहुत दूरी बना रखी है पटाखों से। सही है। ओए स्वीट्स खाना। नहीं यार सुबह से स्वीट्स खा के ना मैं पक गई हूँ, ये कोल्ड ड्रिंक ही ठीक है। और यार मुझे एक बात बता, ये सोन पापड़ी और दिवाली का कोई अलग सा ही रिश्ता है ना, मतलब कुछ हो या ना हो दिवाली वाले दिन हर किसी के घर में सोन पापड़ी मिलेगी ही मिलेगी। ये तो है। ओए हाय हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली यू टू। ये तो वही ड्रेस है ना जो तूने अपने कजन की शादी में पहनी थी। बोल रही थी मम्मी को दिवाली की ड्रेस दिला दो, हर जगह बेइज्जती करानी होती है मेरी। आजा फोटो लेते हैं। अरे तू क्या करेगी फोटो खिंचा के, तूने वैसे भी डाली हुई है ना इस ड्रेस में फोटो, तू एक काम कर मेरी फोटो खींच दे, वैसे भी मैंने आज न्यू ड्रेस पहनी हुई है तो खींचना तो बनता है। चिमकांडी सी शक्ल की, मैं भी क्यों खींचू तेरे फोटोज। अभी हाथ में स्वीट्स है ना, खींच नहीं पाऊंगी, सॉरी यार। मुझे पकड़ा देना स्वीट्स। यार ये तो पीछे ही पड़ गई, ठीक है मैं भी टट्टी सी फोटोज खींच दूंगी, कहीं डाल ही ना पाए। अच्छे अच्छे खींचियो ठीक है। ला दे अपना फोन। अपने आईफोन से खींचना, उससे अच्छी किसमें आएगी, बाद में डॉक्यूमेंट कर दियो। पहले अपने फोन से इनकी फोटोज खींचो फिर इन्हें सेंड करते रहो। खिंचा ले बेटा, मैं भी अगली दिवाली को ही सेंड करूंगी फोटोज। ओए होए यार क्या दिखा दिया तूने, ब्लैक कुर्ते पजामे में कितना हॉट लग रहा है, मेरी तो अच्छी बन गई दिवाली। सेक्सी तो लग रहा है बहुत ज्यादा ब्लैक कुर्ते पजामे में, और देखना बाइसेप भी तो बढ़ गया है उसका। ओए गंदी नजर से मत देख, जीजू हैं तेरे। अच्छा तू तैयार नहीं हुई अभी तक। बस तू थोड़ी देर बैठ, मैं यू रेडी होके आती हूँ। लेट लतीफ लड़की, पता नहीं क्या ही होगा इसका। घर तो अच्छा डेकोरेट किया है। नाइस। दीप कपड़े चेंज करने गई है ना, युद्ध तो नहीं लड़ रही अंदर कोई? हाँ बस हो गया यार, ये पीछे के हुक्स लगाने मुश्किल हो जाते हैं खुद से।
रेडी चले। अरे अरे पूरा रेडी तो होने दे, उजड़ा चमन लग रही हूँ। क्या अय हाय यार, दीप बाहर सब एंजॉय कर रहे हैं और कब चलेगी तू? बस थोड़ा टाइम और दे दे यार। कितना टेस्टी खाना बनाती है यार आंटी। दीप यार जल्दी करना, बाहर सब लोग पटाखे चला रहे हैं, हम लेट हो जाएंगे। इसका नहीं खत्म हो रहा मेकअप, प्लीज जल्दी कर। यस हो गए रेडी। ओए पागल उठ चल, दिवाली वाले दिन भी सो रही है, जल्दी उठ। अच्छा चल हैप्पी दिवाली, आजा। ये क्या, सारे इतनी जल्दी क्यों चले गए? जल्दी टाइम देख, सुबह के 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं? हाँ पटाखे तो फोड़ दिए, अब मैं तुझे फोड़ूंगी। रुक जा तू, रुक जा। यार दिवाली पे अच्छे से रेडी होना तो बनता है ना। एक बार तो किचन के सारे बर्तन साफ करके रखने ही पड़ते हैं। हुण तो 3 दिनों की छुट्टी पै गई है, सारे मैच कंप्लीट कर देने हैं। मैं पंजाबी कहाँ जा रहा है? ओ मम्मी जी छुट्टियां पै गई है ना स्कूल दी। हाँ तो स्कूल की छुट्टियां खेलने के लिए नहीं पड़ती, मम्मी का काम में हाथ बटाने के लिए पड़ती है। शाबा। ये बैट रख और सारे पंखे साफ कर, चल बाद में जाना खेलने। ओ यार ये दिवाली तो ठीक है, ये सफाई क्यों करनी पैंदी है? ओ, हो गया मम्मी जी, उड़ जाओ। किचन में से ऊपर से सारा सामान उतार के रख नीचे। मम्मी जी करता सारा काम, हुण तो जान दो। ले सामान की लिस्ट बना दी है मैंने, सारा सामान लेकर आना। ओ मम्मी जी की कर रहे हो यार, तुसी तो मैनू छोटू नौकर बनाता। चुपचाप सामान लेके आ, और लाइटें भी लगानी है शाम को, सबके घरों में लग गई है, हमारा घर ही सूना सूना नजर आ रहा है पूरी सोसाइटी में। स्कूलों वापस ही नहीं आना चाहिए सी मैनू। बर्तन तो काफी है मेरे घर में, कितने भी मेहमान एक साथ आ जाएं कमी नहीं पड़ने की। दिवाली आई मिलकर दीप जलाएंगे, सुंदर सुंदर फूल लगाकर अपने घर को महकाएंगे, सब मिलकर खूब मिठाई खाएंगे, बच्चे नए कपड़े पहनेंगे और पटाखे जलाएंगे। नए कपड़े? मुझको तो नए कपड़े दिलाए नहीं, मैं क्या पहनूंगी? बेटा रखे हुए तो हैं तेरे नए कपड़े, तेरे बर्थडे पे नई ड्रेस दिलाई थी, वो पहन लेना। नहीं मम्मी वो तो पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े तो दुकान वाले होते हैं। चल ठीक है, ले आऊंगी तेरी दिवाली के नए कपड़े। खुश? दिवाली आई ओए आंखें चार करते हुए चलियो,
पता चल रहा है किसी ने कहीं से भी पटाखा फेंक दिया। हाँ यार, दिवाली है वैसे भी, डर तो लगता ही है घर से निकलते हुए। ओए, वो पटाखा रखा हुआ है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी कुछ ऐसा ही रहा है। 2 मिनट रुक जाते हैं यार फिर। अरे पर आसपास कोई दिख भी तो नहीं रहा ना। तुझे पता नहीं है गली के लड़के कैसे होते हैं, जला के छुप जाते हैं कहीं भी। लेकिन इन लोगों को पटाखे मिल कहाँ से जाते हैं? पटाखे तो बैन है ना। मेरा भाई बेचारा पूरे मार्केट घूम आया, उसे तो फुलझड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिला। यार ये लोग ना बाहर से जाके ले आते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं। यार ये तो अभी तक फटा ही नहीं, फुस हो गया होगा ना। चल फिर चलते हैं। मिल गई फुर्सत, कब से बुला रही हूँ, अंदर आ जाओ। मुझे तो डर और लगता है कहीं हाथ मुंह और ना फोड़ लाए कोई सा। मम्मी आपको पता है गली के बच्चे ना इतने बदतमीज हैं, कुत्ते की पूंछ में पटाखा लगा के ना फोड़ रहे थे। हाय, फिर मैंने जलने से पहले ना पटाखा निकाल दिया। यही चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे, ये बेजुबानों को सताते जो हैं। शर्म नहीं है बच्चों में जरा सी? कौन था वैसे? टिंकू और उसके दोस्त थे। इस टिंकू को तो बताती हूँ मैं, माँ से शिकायत करूंगी इसकी। पता नहीं माँ बाप भी कैसे हैं, आवारा छोड़ देते हैं बच्चों को, बच्चे चाहे कुछ भी करो। हम तो अपने बच्चों पर पूरी निगरानी रखते हैं। चल खाना खा ले गरम गरम, मैं लगाती हूँ। आज तो नया डिनर सेट निकाला है मम्मी ने, नए डिनर सेट में खाना मिलेगा। हाथ मत लगा। क्या है यार मम्मी, कभी भी गिफ्ट नहीं खोलने देती। ले पूरी लेकर आती हूँ गरम गरम। मम्मी ये दिवाली के दिन भी पुरानी प्लेट में खाना। पुरानी क्या, इसमें कांटे लगे हैं? आपने तो नया डिनर सेट निकाला था ना। वो तो मैंने सोचा कोई मेहमान ना आ जाए इसलिए साफ करके रख देती हूँ। तो उसमें खाना खाना था मुझे, उसमें क्यों नहीं दिया? सब कुछ मेहमानों के लिए है क्या, हमारे लिए कुछ भी नहीं है? हद है यार, हर बार डिनर सेट निकालती हो, साफ करके वापस रख देती हो, कभी निकालोगी नहीं क्या उसे? हाँ हाँ सब निकाल के रख देती हूँ तुम्हारे सामने, और मेहमानों के सामने पुराने रख दूंगी। नया डिनर सेट तुम्हारे लिए निकाल के रख देती हूँ, राजा महाराजा हो ना मेरे घर के। मत निकालो, मेहमानों के लिए निकालना जो कभी आएंगे नहीं। और फिर वो डिनर सेट ना उसी डब्बे में टूट के मर जाएगा बेचारा, फिर उसकी आत्मा ना बद्दुआएं देंगी। खा ले चुपचाप, ये त्योहार के दिन पिटेगी मुझसे। पूरी तो ला दो। हाँ मिठाइयाँ पहुंच गई थी तेरे घर, चल हैप्पी दिवाली सबको। पंजाबी ओ तेरी, एक ही हो गया, चुड़ैल का रूप ले लेना उन्हें। ये ले, सुबह से रंगोली पे मेहनत करने में लगी है वो, और इसने पैर मार के सारी मेहनत खराब कर दी। ओ मम्मी जी शेती ठीक करा दो, नीता फिर उन्हें मेरा बॉम्ब बना के उड़ा देना है। मैनू तो रंगोली बनानी भी नहीं आती। मम्मी लो अब शुरू होगा असली महायुद्ध।